फोटो से वशीकरण कैसे करें? अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हैं लेकिन किसी कारण से आपके बीच दूरियां बनी हुई तो इस प्रयोग को करें। किसी शुक्रवार को सुबह 6 बजे या रात को 12 बजे अपने घर के किसी एकांत कमरे में सफेद रंग के कपड़े का आसन लगाकर बैठ जाएं। अपने सामने प्रेमी या प्रेमिका की तस्वीर वशीकरण मंत्र के साथ रखें। तस्वीर में अपने प्रेमी या प्रेमिका के मस्तक पर तिलक लगा दें। अपने सामने प्रेमी या प्रेमिका की तस्वीर वशीकरण यंत्र के साथ रखें। अब तस्वीर और वशीकरण यंत्र पर अपने चित्त को केंद्रित करें। स्फटिक माला के प्रयोग से मंत्र को 21 बार जप करें। इस मंत्र में जहाँ जहाँ पर अमुक शब्द का प्रयोग हुआ है उसके स्थान पर आप जिसका वशीकरण करना चाहते हैं उसका नाम उच्चारित करें। तस्वीर से वश में करने का प्रयोग। किसी स्त्री की तस्वीर के प्रयोग से आप उसका वशीकरण कर सकते हैं। इस प्रयोग को करने के लिए आपको एक भैरवी चक्र या देवी चक्र बनाना होगा। आप रात्रि 12 बजे के समय एक स्वच्छ कमरे में आसन लगाकर बैठ जाएं और अपने सामने उस स्त्री या लड़की की तस्वीर रखें जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। इसके बाद भूमि पर गेहूं के आटे या चावल के प्रयोग से भैरवी चक्र बना दें। अब एक घी का दीपक जलाएं और उसको सिंदूर से तिलक कर दें। पूजा पूरी करें और साथ में मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप आपको 108 बार करना होगा और इस पूरे फोटो द्वारा वशीकरण मंत्र के उपाय को लगातार 21 दिनों तक करें। इससे आपको अपने प्रेम में सफलता अवश्य मिलेगी। घर में पत्नी का प्रेम पूर्वक रहना बहुत जरूरी है। घर में अगर किसी भी कारण से पति पत्नी में विवाद या कलह होता है तो गृहस्थी की गाड़ी डगमगाने लगती है। आप पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास बना रहे इसके लिए आप ये उपाय करें। आप किसी शुक्रवार के दिन एक छोटी शीशी लें और उसमें थोड़ा सा शहद डाल दें। आप अगर पति पत्नी में से जिसे भी वश में करना चाहते हैं उसकी एक छोटी सी फोटो इस शीशी के अंदर रख दें। अब इस शीशी को अपने बिस्तर के नीचे छुपा कर रख लें। इस सरल से प्रयोग से पति पत्नी का वशीकरण हो जाता है। इसके टोटके का आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। इससे पति और पत्नी के बीच प्यार और विश्वास की डोर मजबूत होगी। फोटो से वशीकरण अपनी तरफ आकर्षित करवाना। अगर आप एक स्त्री हैं और आप चाहती हैं कि आपके पति सिर्फ आपको ही प्यार करें तो आप ये उपाय कर सकते हैं। लाल आसन बिछाकर माँ चंडी की पूजा करें और चंडी स्त्रोत को पढ़ें। पूजा करते समय माँ के चरणों में चंदन, केसर पाउडर और पान का पत्ता रखें। पूजा पूरी होने पर रखे हुए चंदन और केसर से तिलक लगाएं और अपने पति की तस्वीर के सम्मुख जाएं। जीवन में आने वाली कई समस्याओं को आप वशीकरण के प्रयोग से हल कर सकते हैं। जब भी आप वशीकरण का प्रयोग करें पूरी तन्मयता और लगन के साथ करें। आप प्रेम प्राप्ति के लिए अगर वशीकरण का प्रयोग कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपके मन में किसी भी व्यक्ति का अहित करने का विचार नहीं होना चाहिए। आप अगर किसी से दिल से प्यार करते हैं तो उस पर वशीकरण का प्रयोग करने में आपको तुरंत सफलता मिल जाएगी। फोटो या तस्वीर द्वारा वशीकरण इस बात पर निर्भर करता है कि इसे करते वक्त आपका मनोबल कैसा है। मजबूत मनोबल और नेक इरादे से आपको बहुत जल्दी आशा के अनुरूप परिणाम प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो से संबंधित कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं तो तुरंत हमें कॉन्टैक्ट करें।